क्या आया मम्मी रिपोर्ट में? कुछ नहीं आया। हाँ तो अच्छी बात है ना, अच्छा ही होना चाहिए ना, नहीं आया कुछ तो। भैया आज का थोड़ा अनहेल्दी नाश्ता है, चाय बिस्कुट खाते हैं हम लोग, चाय और बिस्कुट। तो भाई होली के बाद चाय आज हम लोग साथ में पी रहे हैं, कल साथ में चाय नहीं पी पाए। मम्मी कैसा लग रहा है, होली की थकान निकली है कि नहीं आपकी? बहुत बहुत थकान आ गई, देखो पीछे तकिया रखी। अभी पता नहीं कितने दिन लगेंगे हमको एकदम से सही होने में, लेकिन मजा तो बहुत आया भाई। मजा आया कि नहीं मम्मी? बहुत मजा आया नहाने में, शावर में। आपको व्लॉग देख के अच्छा लगा कि नहीं कमेंट करिएगा जरूर से। चलिए अब हम लोग खाते हैं चाय एंड बिस्कुट। तो मम्मी का भी हुआ था ब्लड टेस्ट वुमेंस डे के दिन, अब देखते हैं। मम्मी का बड़ा टेंशन है कि क्या आया है। पापा क्या है रिपोर्ट में? हीमोग्लोबिन 9.7 हो। नहीं शुगर का कुछ आया है क्या? आज मम्मी का टेस्ट रिपोर्ट तो लेके आ गए हैं, तो इसमें जो है मम्मी के टेस्ट में क्या आया है मम्मी? कुछ नहीं आया है। तो इसकी इनको खुशी होनी चाहिए है कि नहीं दोस्तों? लेकिन ये बेचारी अपसेट है। मम्मी क्यों अपसेट हो आप? 3000 रुपये लग गए और बोल रहा है कि कुछ नहीं है। अब इनको क्या ही बताए, पैसा खर्च करने का इनको दुख है। ये आपको कुछ आता और आप जाती तो वो ज़्यादा अच्छा था क्या? दे दिया होता तो लगता है 3000 में कुछ कुछ आया है। देखिए ये है ऐसी दुखी हो रही है कि कुछ नहीं आया रिपोर्ट में। चलो एनीवेज भाई अच्छा हो गया कि कुछ नहीं आया। जैसा कि मैंने कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, होपफुली मेरे रिपोर्ट्स भी ऐसे ही आए। भगवान प्लीज बचा ले, मुझे भी बचा ले। वो भी आपको शाम तक पता चल जाएंगे। भाई शाम की चाय हमारी हो गई है और अभी अच्छा सा मौसम भी हुआ पड़ा है, तो थोड़ा अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ थोड़ा अपना फिटनेस रूटीन वापस, जो मेरा अभी गड़बड़ा गया था। और जैसे कि मैंने कल कुछ टेस्ट कराए थे तो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है रिपोर्ट्स में, लेकिन कोई बात नहीं। तो थोड़ा मैं एक्चुअली पहले थोड़ा वॉकिंग ही सही, मैं बहुत कुछ नहीं करती थी, थोड़ा वॉकिंग एंड थोड़ा बहुत ऐसे मेडिटेशन योगा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती थी, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि थायराइड को पेशेंट्स को करना होता है। बट इस बीच में आई थिंक 3-4 महीने हो गए होंगे या उससे ज़्यादा ही कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, एंड उसका नतीजा कि अब मेरा थायराइड का जो लेवल्स हैं थोड़ा डगमगाया है, नॉट मच बट। और डॉक्टर को तो मुझे सुनाने वाले हैं क्योंकि जो उन्होंने कुछ बोला था रूटीन फॉलो करने वो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है, तो अब मुझे वो भी करना पड़ेगा। तो भाई मैं आज ही से शुरू करते हैं, वो क्या है कल करे सो आज करे सो अब, तो अब वो अब आ गया है क्योंकि इट्स हाई टाइम नाउ। मुझे बहुत दिनों से ही लग रहा था लेकिन अब रिपोर्ट्स देख के तो अब एकदम से ही हो गया है कि भाई अब तो कुछ तो एक्शन लेना होगा। तो बस फिर अभी थोड़ी देर मैं अपना वॉकिंग वगैरह कर लेती हूँ, इसके बाद तो एज यूजुअल मुझे युवान को भी लेके जाना है नीचे। लेकिन यही हो जाता है ना, एक बार आप माँ बन जाते हो ना तो क्या हो जाता है कि आप अपने खुद को थोड़ा निग्लेक्ट कर लेते हो, लेकिन वो नहीं करना चाहिए क्योंकि अब वो मेरे साथ यही हो रहा है कि मैं युवान के चक्कर में अपना जो रूटीन था वो मैं डिस्टर्ब कर चुकी हूँ। सो अब उसका वो मेरे हेल्थ पे एक वो टोल ले रहा है, तो यू शुड अवॉइड दैट। आपको खुद का भी ध्यान देना चाहिए और अब मुझे भी वो करना होगा। सो अब से शुरू। सो भाई मैं उतर गई हूँ वॉकिंग करने। यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऐसे ना जॉगिंग ट्रैक बनाया है, साइकिलिंग ट्रैक है, एक एक जॉगिंग ट्रैक है, तो आप यहाँ पे आराम से पूरे गार्डन का अगर 5-6 चक्कर पीछे लगा लो तो बहुत हो जाता था। तो मैं यही एक रूटीन था थोड़ा वॉकिंग, जब टाइम मिले सुबह तो सुबह या तो फिर शाम को एटलीस्ट 45 मिनट्स में वॉक करती थी, थोड़ा मेडिटेट करती थी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करती थी। अभी को सब बंद पड़ा है, लेकिन अगर आपको थायराइड है तो आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए, इफ़ नॉट एवरी डे एटलीस्ट थ्राइस अ वीक, और मिनिमम तो करना ही चाहिए, जो मेरा पूरा बंद पड़ा हुआ था। आज से शुरू। तो भाई आज की मेरी 45 मिनट्स की वॉकिंग तो हो गई, अभी आज बहुत दिन बाद वॉक करी तो थोड़ा स्लो ही शुरू की हूँ और ज़्यादा टाइम भी नहीं करी हूँ, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा बात से शुरू, अब चाहे अभी शाम को या सुबह खुद के लिए भी टाइम निकालना ही है। और अब जा रहे हैं अभी युवान सिंह को नीचे लेके आने, मेरा टाइम हो गया। भाई आज का दिन ऐसे ही बीत गया मेरा, सोच सोच के कि क्या करना चाहिए अपने हेल्थ को लेके,
तो मैंने तो कुछ तो शुरुआत कर ही दी है, अब धीरे धीरे उसी में मैं और कुछ भी एड ऑन करती रहूँगी, क्या क्या मुझे चेंजेस करने चाहिए अपने लाइफस्टाइल में। डॉक्टर को भी कंसल्ट करना पड़ेगा, तो जल्द से जल्द उनकी अपॉइंटमेंट भी ले लूँगी, लेकिन जितना अपने साइड से करना चाहिए था वो मैंने स्टार्ट कर लिया है। सो ऑन अ हेल्दी नोट ये दिन ख़त्म होता है, हम मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।